बात करेंगे फ़ोटोशॉप की। फ़ोटोशॉप में हम देखते हैं फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं। मैं एक फ़ोटो ले लिया हूँ, कंट्रोल एन, एंटर, कंट्रोल वी, और एक क्लिक में इसमें बैकग्राउंड हटा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये ऑप्शन यहाँ से आएगा, विंडोज़ में जाएंगे और इसमें जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। ये हट गया, मैं फिर से जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, इसमें रिमूव द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूव करने का है। ये देखिए रिमूव कर देंगे हम बैकग्राउंड, ये आ जाएगा बैकग्राउंड हट जाएगा इसका। और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ इसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा है, पहले कंट्रोल जेड करके मैं दिखा रहा हूँ इसके बैकग्राउंड में ये कलर आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट जेड किया इसमें, इसमें ये बैकग्राउंड हट गया इसमें। तो मैं इसको मैं दिखा रहा हूँ बैकग्राउंड कैसे हटाए, तो कंट्रोल शिफ्ट एन किया, नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है एंटर, इसमें ग्रीन कलर कंट्रोल डिलीट किया तो ये बैकग्राउंड ग्रीन आ गया। ये देखिए इस तरह से बैकग्राउंड हट जाता है इसका एक क्लिक में। ये मैं इसका ओरिजिनल दिखाऊंगा मैं, ये कंट्रोल बी किया, ये देखिए ये आ गया, ये हटा, एक क्लिक में इसका बैकग्राउंड हट जाता है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब इस फोटो को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसमें अब सेलेक्ट सब्जेक्ट मतलब ये चीज़ सेलेक्ट होगा और बाकी बात हट जाएगा इसमें, और सब्जेक्ट इस तरह से इसमें ये छोटे छोटे बाल हट गए हैं। तो हम इसमें अगर हटा सकते हैं या फिर ले सकते हैं, इसमें हम ओल्ड दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पहले ये सेलेक्ट करेंगे, ओल्ड दबाएंगे, उसके बाद हमें ये सब्जेक्ट हटा देना है तो ये हट जाएगा यहाँ से। अगर ऐड करना है तो शिफ्ट के साथ इसको इसमें चलाएंगे, देखिए शिफ्ट के साथ अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा, और होल्ड के साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ हटाने के लिए तो यहाँ से ये हट जाएगा, ये देखिए यहाँ से हट जाएगा ये। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा और शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन करूँगा, दूसरा पेज ले लिया, और इसको मैं हटा दूँगा कंट्रोल डी पेस्ट, इस तरह से ये फोटो आ जाएगा। यहाँ से अगर हटाना है तो हम लेजर की वजह से हम हटा सकते हैं, इसका साइज बड़ा करने के कर देता हूँ मैं इस तरह से, मुझे तो ये ऑप्शन सही लगा। और बाकी बात ये जैसे उंगली में आ गया है, तो इस तरह से हम इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं।